आ ही गए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को दबा लो। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, जाओ और फॉलो करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस गाने की भी रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में आई हुई थी और इस गाने पे रिएक्ट भी मैंने नहीं किया था तो मुझे लगा कर देना चाहिए। ये गाना ऐसे मैंने बहुत टाइम पहले सुना हुआ है और मैं काफी सुना भी हुआ मैंने इस गाने को, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसा होता ना कि आप गाना कुछ ऐसे याद करो तो आपके माइंड में उसके लिरिक्स नहीं आ रहे होते हैं, तो वैसे सा इस गाने के साथ भी मेरा हो रहा है। तो लेट्स सी रिएक्शन क्या होने वाले। और एक और चीज मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जिनका गाना है ये पावधारिया इसमें है और खान साहब ने ये गाना गाया है, तो खान साहब का जब मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने इस गाने से रिलेटेड एक किस्सा बताया था, तो वो किस्सा मैं आपको एंड में बताऊंगी, आप ये रिएक्शन वीडियो देख लो पूरा, वो मैं मेंशन भी कर दूंगी एक छोटी सी क्लिप, अगर या तो वो किस्सा या फिर जो गाना मैंने उनसे सुना था दो पल दी नाराजगी, उन दोनों में से एक चीज मैं मेंशन कर दूंगी। बट पहले हम ये रिएक्शन देखते हैं कैसा होने वाला है और उसके बाद हम उस इंटरव्यू के बारे में बात करने वाले हैं जो मैंने खान साहब का लिया था। सो लेट्स स्टार्ट दिस सॉन्ग गाइस। मेरे माइंड में भी वो रिक्रिएट होंगी चीजें काफी टाइम बाद। दिल तेरे नाम मेरी जान तेरे नाम, तेरे नाल सुबह मेरी तेरे नाल शाम, गल मेरी क्यों नहीं मनदा माही वे, जिंदगी है तेरे नाल तू मेरा है प्यार, आ जावे माही वे मैनू तेरा बरसात सोने दर्दा तेनों लाया तेरे गमा ने, प्यार प्यार कहके मैनू लुट आई मैर मावे, दिल नू दिला से दिते तेरे गमा ने, हुण हुंदा नी सहारा ए विछोड़ा मेरे यार, आ जावे माही चली हुई कदरां तक सच्चे प्यार दियां, हर वेले रोंदी यारा तेनू फिर टोंदी मैं ते, सोचदी रावां मैं गल्लां यार दियां, ले ले ततड़ी दी सां मैनू जोंदे तेरा
संदू मेरे रहने होना मैं थो इंज कल्या हसे आनू खोले दिल मेरा रो रे आए मर जाना मैं तो हो के चलिया अच्छा। रोवा जारो गाना ने मुझे थोड़ा सा इमोशनल कर दिया। आई मीन गाना तो है ही, लेकिन इस गाने की वीडियो ने, लिरिक्स ने, आवाज ने स्पेशली यार, मतलब जो एंड में कैसे लाइन आती है उसमें खान साहब जो है उनकी आवाज में वो रोने वाली आवाज जो निकलती है, कितने मतलब इससे पता चलता है कितने ही फील से ये गाना गाया गया है। और जब वो पावधारिया का आया था, पार्ट आया था, बेशक वो कुछ लाइन्स थी, बट उन लाइन्स ने भी गाने में बहुत इमोशन डाला यार। और इन चीजों से कैसे पता चलता है ना कि ये एक चीज जो ये एक शराब एक चीज है जिसकी वजह से कितनी ही फैमिलीज फेस करती होंगी, एंड में यही होता है वो इंसान अकेला रह जाता है। एंड बहुत से घरों की ये सच्ची कहानी है। ओके, तो यहाँ पे मैं उस किस्से की बात बताती हूँ आपको, वो किस्सा बताती हूँ आपको जो खान साहब के साथ मेरा इंटरव्यू था, तो उन्होंने उसमें बताया था, इसी गाने के बारे में बताया था। तो इस गाने में एक सीन था जिसमें जो खान साहब की माँ जो इसमें बनी है, जो माँ का रोल किया है, उनको थप्पड़ मारती है। तो उन्होंने ये बताया कि जब उनको थप्पड़ मारती है तो वो बार बार टेक करते करते ऐसा हो गया था कि उन्होंने उनको बहुत जोर से थप्पड़ मारा था और उनको बहुत जोर से लग गई थी, और उस टाइम वो ऐसे हो गई कि अच्छा ये बहुत जोर से लग गया। और उसके बाद जो वो थे आपस में हंस रहे थे इस बात को लेकर, क्या ये तो बहुत जोर से पड़ गई मेरे, मैं तो ऐसे हो गया था एकदम। और उसके बाद जो उनकी वो को एक्टर थी उसमें जिन्होंने माँ का रोल किया था, उनको काफी सुन रही थी सॉरी 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 बोल रही थी। तो ऐसे कुछ किस्से हो जाते हैं सेट पे जो आप नेचुरल करने के चक्कर में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है, जोर से लग जाती है। तो एक ये किस्सा था। और जब मैं थी उनके मतलब इंटरव्यू के टाइम पे उन्हें गाना सुनाने के लिए ऐसे कहा था, तो दो पल दी नाराजगी, वो तो मैंने लाइव सुना है, तो बहुत बहुत सच में बहुत दर्द भरी आवाज है। मतलब आवाज दर्द भरी क्या, मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके का गाना होता है खान साहब अपनी आवाज उस गाने के अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेते हैं। दो पल दी नाराजगी एक पल विच मिट जाए जे तू एक बारी आके मेरे सीने नाल पट जाए तेरे मेरे विच फासला एक पल विच मिट जाए जे तू अखा मेरिया नूं एक बारी किते लिख जाए दोवां विच पै गया फर्क जिहा सब लगदा है मैनू नरक जिहा सब वादे तेरे झूठे साबित हो गए चन नाल करा मैं गल्ला वो भी मेरे नाल कल्ला वो भी मेरे नाल कल्ला असी जागदे ते तारे सारे सो गए मैं मुल तेरा पालूं चाहे जिंद मेरी विक जाए मैं रुसना ही छड़ दूं जे मनोड़ा तुम्हें सिख ले। तो काफी बढ़िया था ये गाना एंड स्टोरी तो इसकी सच में बहुत इमोशनल थी। एंड में तो जो वो लुक मिला ना ऐसे जो खान साहब अपनी वाइफ को देख रहे हैं और वो खुश है अब तो वो उसको ऐसे तसल्ली वाला अपनी आईज डाउन करके देते, वो काफी इमोशनल था यार। एंड थैंक यू सो मच आप ऐसे गाने बता रहे हो और मैं रिएक्ट कर रही हूँ उनके ऊपर। आई वुड लाइक टू मेंशन अ नेम, इवनीत ने मुझे ये गाना, मेरी ही एक बहुत अच्छी दोस्त है, उन्होंने मुझे ये गाना, दोस्त मेरी शी इज माय बेस्ट फ्रेंड यार, कम ऑन, मुझे इतना फॉर्मल नहीं होना चाहिए। तो मेरी ही बेस्ट फ्रेंड ने मुझे बोला था कि इसमें मुझे करना चाहिए, और कमेंट्स में भी लोगों ने बोला था कि मुझे उस गाने पे रिएक्ट करना चाहिए, तो मैंने रिएक्ट किया। एंड दैट्स ऑल, ये था रिएक्शन मेरा, कैसा लगा आपको कमेंट्स में जरूर बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।